हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने नई वैकेंसी निकाली है। समूह 3 उपयंत्री, मानचित्रकार, समयापाल एवं समक्ष पदों की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा संचालन पुस्तिका जो 3000 वैकेंसी के लगभग हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से इसके फॉर्म आरक्षण और महिला और भूतपूर्व सैनिक को आरक्षण मिला है और कब एग्ज़ाम होगी इसकी और कौन सी कितनी शिफ्ट रहेगी, संपूर्ण जानकारी, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, सबका जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो अपलोड होता है आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब पर तो आपको तुरंत प्रभाव से आपको मिल जाएगा। अब इस पद को भरने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हो, तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 9 अप्रैल 2022 से आप फॉर्म भर सकते हो और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है 23 अप्रैल 2022। आप आवेदन पत्र में संशोधन की करने की प्रारंभ तिथि है 9/4/2022 से 9 अप्रैल 2022 से और आवेदन पत्र में संशोधन करने की 28 अप्रैल 2022 तक हैं। अब परीक्षा दिनांक व दिन है 6 जून 2022 को इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि पीबी बहुत तुरंत प्रभाव से कार्य कर रही है और इस साल बहुत सारी भर्तियां होनी हैं। ये अपने समूह 1 में भी निकल चुकी है, समूह 3 में भी निकल चुकी हैं और एमपी पटवारी भी आने वाली है, एमपी एसआई भी आने वाली है, तो आप अपने आप को अपडेट कर दीजिए, रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ाई में झकझोर अपने आप को झोंक दो और अच्छे से आप तैयारी करो। अब परीक्षा शुल्क सीधी भर्ती या संविदा हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए कितना 250 रुपये फीस है और अंडर रिजल्ट वाले कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है और सीधी भर्ती देख लो कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन केस के माध्यम से भरेंगे आप, पोर्टल जो है ना पोर्टल चार्ज आपका रहेगा। अब परीक्षा दिनांक 6 जून 2022 से प्रारंभ है, 2 प्रथम पाली या द्वितीय पाली में एग्जाम होगी आपकी और अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम होगा 7 बजे से 8 बजे तक और द्वितीय पाली का रिपोर्टिंग टाइम है 12:30 से 1:30 बजे तक। जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट की एग्ज़ाम कितनी बजे स्टार्ट हो जाएगी, साढ़े महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और द्वितीय पाली में भी आपको 2:20 से 2:30 पर 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने का, जो आपकी रियल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी रिपोर्टिंग टाइम के बाद 9:00 से 12:00 तक 3 घंटे का ये पेपर रहेगा और द्वितीय पाली में भी 2:30 से 5:30 तक रहेगा 3 घंटे का। और अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना जरूरी है, सब मूल निवासी वगैरह, तो ये तो आपको सब पता ही है। ठीक है, चल लेते हैं आरक्षण की तरफ और देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। और ये वैकेंसी है उपयंत्री वगैरह में सब में निकली, मानचित्रकार में, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी देख लेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा थोड़ा सा और सबको, मैं आशा करता हूँ कि सबको अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ठीक, बिल्कुल, आप नए कैंडिडेट जो भी देखे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह तृतीय श्रेणी की जॉब है और इसमें समूह में देखो क्या क्या पूछा जाएगा। समूह 3 में 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर आपके संबंधित विषय पर आधारित 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन आपके, ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर से आधारित 100 क्वेश्चन होंगे आपके और 3 घंटे का दर रहेगा आपका। अब यहाँ पर पात्रता की शर्तें है, तकनीकी व्यवस्था में अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की मांग करता, ये आपको 10+2 हायर सेकेंडरी होना चाहिए पास और आयु सीमा आपकी होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी एज और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, स्वायत्त शासी निकायों या होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष 5 वर्ष छूट दी गई इनके लिए, ठीक है, चालू वर्ष। और इसमें जो संशोधन हुआ है, चालू वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट है, जो आपका 1 जनवरी 2022 से आपकी जनगणना, आपकी एज काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है, आगे चल लेते हैं। अब मध्य प्रदेश के स्थायी निवास से आवेदन की आयु सीमा ये है,
और खुली प्रतियोगिता भर 28 से 45 साल। ठीक है, आप ये तो देख लोगे, आप स्पष्टीकरण आप पीएबी की साइट पे जाइएगा और नोटिफिकेशन पूरा देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपको, किस प्रकार से आप इसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। पीबी परिणाम घोषणा और सफल विद्यार्थी, ये तो आ जाएगा आपका पूरा। आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए, जो भी नई वैकेंसी आती है नोटिफिकेशन पढ़ने से आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होता है। अब देख लेते हैं, और शासकीयों में नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्वाचन, भूतपूर्व सैनिक और महिला के लिए क्या आरक्षण है। हाँ, अब आरक्षण की बात कर लेते हैं हम। सब प्यारे भाई और बहनों देख लें, देख लो आप सब, आरक्षण की बात कर लेते हैं हम। क्या क्या आरक्षण 16(1) में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंधों एवं मध्य प्रदेश राज्य पत्र 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत वर्टिकल आरक्षण लागू है। ठीक है, वर्टिकल आरक्षण लागू है आपके लिए। देखो, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए 20% आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लिए 16% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% है, ओबीसी के लिए 27% है, आप सब, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो जनरल में आते हैं और ईडब्ल्यूएस का जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको 10% आरक्षण है। टोटल मिला के कितना हो गया, 7 6 13 और कितना हो गया, 2 2 4 5 6 7 73% हो गया आरक्षण भी। ठीक है, 26 27 54 54 में 20 30 40 50 60 73%। अब परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलावार आरक्षण रोस्टर लागू है, आरक्षण रोस्टर लागू भी है ना। ठीक है, 37 आरक्षण मध्य प्रदेश जो 37 आरक्षण है, और हॉरिजेंटल आरक्षण है, वर्टिकल, ये वर्टिकल आरक्षण होता है, हॉरिजेंटल आरक्षण होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे और अगली वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा इसके लिए आप। अब मध्य प्रदेश राजपत्र में 37 आरक्षण में ये, ठीक है, महिलाओं की नियुक्ति के लिए उपबंध है, और इसमें बोला गया है दृष्टिबाधित के लिए, बहरे कम सुनने वाले जो हैंडीकैप्टे भैया हैं उनके लिए भी अच्छे हैं। हाँ, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण दिया गया है ना। महिला के लिए पढ़ लेते हैं नियम, महिला आरक्षण के लिए अपने पढ़ा नहीं, विषय उपबंध के किन्नी सेवाओं राजपत्र 33% आरक्षण, महिलाओं को 33% आरक्षण मिल गया है ना। देखो, होरिजेंटल कंपार्टमेंट जैसे समझ लें कि एक बस है और बस में आप अभ्यर्थी हो, 100 जने बैठे हो, ठीक है, 100 जनों में से एक बस है और महिला आरक्षित सीटें हैं, और अदर सीटें जो हैं कुछ हैंडीकैप के लिए भी रखी जाती है, कुछ जब आप बड़ी बड़ी सीटों में लिखे जाते हो तो वहाँ पर लिखा ले जाता है कि ये महिला आरक्षित सीटें हैं। तो 100 सीट में से 33 सीट जो महिला के लिए आरक्षित हैं, ऐसा है, 100 सीटों में 33 सीट। अब हॉरिजॉन्टल महिलाएं जो जनरल वाली जनरल फाइट करेगी, ओबीसी वाली ओबीसी में, एसटी वाली एसटी में, और ईडब्ल्यूएस वाली ईडब्ल्यूएस में, और शेड्यूल कास्ट वाली शेड्यूल कास्ट में फाइट करेगी। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया ये। अब बात कर लेते हैं फटाफट देख लेते हैं, संविदा कर्मियों कहते हो, ये तो बहुत बड़ा चला जाएगा, आप पूरा पीडीएफ पढ़ लेना, मैं मोटे मोटे रूप से आपको बता देता हूँ। ठीक है, 99 पेज का पीडीएफ है, और बहुत डिजिटल बोर्ड होता तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, पर डिजिटल बोर्ड ही मान लीजिए मोबाइल को। वो देख लेते हैं, नागरिक तो आप भारत के होने चाहिए, यानी चाहिए, ठीक है, गजट के अनुसार। अब जो पदों विभागवार रिक्त पदों का जो निकली वैकेंसी देख लेते हैं, किस किस विभाग में निकली हैं। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल में निकली है, ये आपके पास विभाग आएंगे। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल, तीसरी वैकेंसी है। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन बाणगंगा भोपाल, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित भोपाल। ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए वैकेंसी है ये, और प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश, प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम पुस्तक भवन अरेरा हिल्स में संचालन में। कितनी वैकेंसी, बहुत वैकेंसी, ज़्यादा है वैकेंसी, 32 प्रकार से वैकेंसी है ये आप एक बार
देख लेता हूँ, चलो एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, 10 तो हो गई है, फटाफट फटाफट पढ़ लेता हूँ मैं, तो आपको भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, संचालक का संचालन नगर प्रशासन एवं विकास भर्ती सीधी भर्ती है, कार्यालय नगर पालिका निगम में भी है, नगर पालिका निगम देवास मध्य प्रदेश, नगर पालिका निगम सिंगरौली, नगर पालिका निगम रीवा, नगर पालिका निगम सागर मध्य प्रदेश, नगर पालिका निगम बुरहानपुर, नगर पालिका निगम सतना, नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा, नगर पालिका निगम कटनी, नगर पालिका निगम उज्जैन, नगर पालिका निगम जबलपुर मध्य प्रदेश, नगर पालिका निगम ग्वालियर, सब सीधी भर्तियाँ हैं, ये पोस्ट बहुत सारी हैं। और नगर पालिका निगम, सब नगर पालिका इंदौर मुरैना में भी है, नगर पालिका रतलाम में है, नगर पालिका खंडवा में भी है, मुख्य अभियंता विद्युत एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक भोपाल, ठीक है, इसमें भी निकली हैं। और मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय भोपाल, एमपी पावर मैनेजमेंट लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण लिमिटेड इंदौर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर, ठीक है, ये आपके वैकेंसी है। और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर, प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग भोपाल, मध्य प्रदेश महायोग मान लेते हैं, पेज नंबर 24938, ठीक है, तो टोटल मिला के योग हो गया है। ये किस प्रकार से इन्होंने दिया है, EWS वगैरह सब आरक्षण, EWS अजाग ST SC OBC टोटल मिला के कुल पद हो रहे हैं अपने पास 3435 के लगभग वैकेंसी टोटल, ठीक है, ST SC OBC जनरल में ये सब हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी आपको कर दूंगा इसका। अब आरक्षित पोस्ट संविदा शिक्षक में सब हैं, देख लेना आप, और PDF में आपको PDF का लिंक का इसमें दे दूंगा, ठीक है ना, और आप देख लेना, चेक कर लेना पूरा पूर्ण रूप से, और 35 पूरा नीचे तक स्क्रॉल कर लेता हूं मैं, किस प्रकार से आप इसको स्क्रॉल करते जाइए। थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा ये, क्योंकि नन्हे पेज का PDF है। और तो आपको फॉर्म कैसे बनना है, किस प्रकार से बनना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, उसका अगला वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, और किस प्रकार से आप ऑनलाइन बैठे बैठे घर से फॉर्म भर सकते हो, और आपका जो परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति है उसके बारे में, ये जो पद्धति है नॉर्मलाइजेशन पद्धति प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की पद्धति है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर आधारित है, ये फॉर्मूला देख लो आप, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन सेशन M गिवन बाई, ठीक है, MIG, ये पूरा फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और किस प्रकार से आपका अगला वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, और चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये पूरा आप ऐसे फॉर्म भर लेना आप, है ना, ये फ़ोटो आपको करना रहेगा, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का यहाँ पर फोटो चिपकाना रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर, और हस्तलिख में आप घोषणा करता हूँ कि ये लिखना रहेगा आपको, और फिर आप फॉर्म पूरा भर सकते हो ना, ठीक है, देख लेते हैं। ये आपका था, मैंने पूरा बना दिया आपका वीडियो, जो मध्य प्रदेश में जो ऑफिसर लेवल से भी निकली है और बहुत सारे निकली वैकेंसी, तो आप इस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आपका मित्र दिग्गज सिंह चौहान।